दोस्तों सर्दियों का मौसम है और बहुत सारी सब्जियां मार्केट में आ रही हैं, और सर्दियों में अचार तो बनता ही है। तो मिलते हैं दादी माँ से। नमस्ते दादी माँ, क्या नमस्ते। बनाना सिखाएंगे आज आप हमें? आज हम सब्जियों का खट्टा मीठा अचार डालेंगे। अरे वाह, तो कौन कौन सी सब्जियां आप इस्तेमाल करने वाले हैं? ये गाजर है, हाँ जी, ये शलजम है, हाँ जी, और ये गोभी है। अच्छा, इन तीनों का मिक्स बनाएंगे मीठा अचार, मिक्स खट्टा मीठा अचार आज आप बनाना सिखाएंगी। ये हमने गाजर ली पहले जी, ये गाजर छील ली, हाँ जी, ये आगे से काट लिया और थोड़ा पीछे से जी ये रख लिया। अब हमें ये शलजम काटनी है, ऐसे ही हमें शलजम को छीलना है। ऐसे ही हम सारी सब्जी को छील लेते हैं जी। देखिए अब हमने तीनों ये दोनों छील के रख ली, हाँ जी, शलजम को छील लिया, गाजर को छील लिया, हाँ जी, और अब ये गोभी के पीस कर लिए, अब इसके छोटे पीस करने हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये इतने इतने। अब हमने गाजर, ये छोटी है, इसका दो पीस कर लिए, इसको ऐसे लंबे पीस में काट दिया। ज्यादा बारीक ना ज्यादा मोटा जी, देखिए इस शेप में गाजर को ऐसे लंबा लंबा काटना है। हाँ जी, हाँ जी, ये गोभी के पीस कर लिए, ये गाजर के पीस कर लिए, अब ये शलजम के पीस कर लेंगे इसी तरह। जी, ये देखिए शलजम के पीस कर लिए, इस तरह ये इसके पीस काट के तैयार कर लिए हैं। ये गोभी है, हाँ जी, ये गाजर है और ये शलजम है जी। तीनों को छील गए, धो गए, छील गए, काट के तैयार हो गया। हाँ जी, धोके ये धो के अब हम इसे थोड़ी हवा धूप लगा लेंगे। कितनी देर लगानी है दादी माँ इसको हवा? 2-3 घंटे। अच्छा, 2-3 घंटे इसको आप बाहर धूप में रख दीजिए, अगर धूप है तो, और नहीं तो खुली हवा में भी रख सकते हैं। अगर धूप नहीं है तो भी आप इसको थोड़ा फरेरा करना है, इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अब दादी माँ से मसाले देख लेते हैं क्या क्या चाहिए अचार में। जी दादी माँ, क्या क्या मसाले हमें चाहिए होंगे? जीरा है, हाँ जी, ये नमक है जी, ये लाल मिर्च है जी, और ये पिसी राई है, हाँ जी, ये लौंग है जी, और ये बड़ी इलायची है, और ये दालचीनी है, हाँ जी, और ये सौंफ है, हाँ जी, और ये अदरक है। अदरक, अच्छा, अदरक को कद्दूकस कर लिया है। अगर डालना चाहे तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, हाँ जी, अगर खाते हैं और उसके हिसाब से। लहसुन नहीं खाते इसलिए हमने लहसुन नहीं डाला। हाँ जी, ये सरसों का तेल है, ये गुड़ है, हाँ जी, और ये सिरका है। अच्छा, थोड़ा सा सिरका भी डलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो खड़ा मसाला है इसको भून लेते हैं, हाँ जी, धीमी गैस पे। ये हमने जीरा डाला, हाँ जी, ये लौंग, ये बड़ी इलायची और ये दालचीनी, इनको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, और ये सौंफ, इनको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा, हाँ जी, हल्का सा लाल। अब ये चटकना शुरू हो गया तो हम गैस को बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। ये ठंडा हो गया, इसको हम जार में डाल देते हैं, इसको अब हम दरदरा सा कर लेते हैं, ज़्यादा बारीक नहीं। अब हमने गैस जला लिया और इसको चढ़ाएंगे, हम थोड़ा तेल चढ़ाएंगे।
सरसों का तेल। तेल हमारा पक चुका, अब से गैस धीमी कर दी, इसमें हम ये अदरक डाल देते हैं। और जो लहसुन खाते हैं इसी के साथ लहसुन भी डाल दें। हाँ जी, अगर आप इस अचार में लहसुन डालने वाले हैं तो इसी टाइम पे जो अदरक डाल रहे हैं इसी टाइम पे आप लहसुन डालिएगा, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, वो आपके ऊपर है। और ये भून के अदरक, इसमें हम एक गुड़ डाल देते हैं खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए। ये सिरका, इस नाप का सिरका लिया है। देखिए गुड़ हमारा अच्छी तरह घुल चुका, अब मंदी गैस कर देते हैं। अब डालेंगे ये राई, डाल राई पिसी हुई डाली है, उसको पहले मिक्सी में पीस लिया था। और ये मिर्च अच्छी सी डाली है, अचार चटपटा ही अच्छा लगता है। और अब स्वाद अनुसार नमक, और ये जो हमने खड़े मसाले पीसे, हाँ जी, अब ये डाल देते हैं। मसाला तैयार है, अब इसमें हम ये सब्जियां डाल देते हैं, ये गोभी, गाजर और ये शलजम। इसको खूब अच्छी तरह मिला लीजिए, ये जरा सी कलर के लिए हम हल्दी डाल रहे हैं। तो मसाला पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें थोड़ी सी दादी माँ हल्दी डाल रही हैं जिससे कि और अच्छा कलर आ जाएगा। अब इसको भी मिला लेंगे, थोड़ी देर इसमें आँच लगा लेंगे जिससे कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखिए अच्छा, अभी इसको गैस पे रखना है थोड़ी देर। इसको अभी हल्दी डालने के बाद अच्छे से मिला रही हैं दादी माँ, और अभी इसको गैस पे थोड़ी देर इसको आँच लगानी है। देखिए अब अचार हमारा तैयार है, मसाले अच्छी तरह मिलेंगे। ये देखिए, अब इसको हम ठंडा होने के लिए ढक के रख देते हैं, गैस बंद कर देते हैं। अचार बिल्कुल ठंडा हो गया है, रेडी हो गया है। इसको आप एक कंटेनर में स्टोर करिए, आराम से पूरी सर्दी मिक्स सब्जियों का खट्टा मीठा अचार खाएं, बहुत ही बढ़िया। अब ये जो पानी है ये भी इसके अंदर आप डाल दें। देखिए खट्टा मीठा अचार बिल्कुल तैयार है, पूरा सर्दी इसे बढ़िया से खाइए। आपको हमारे खट्टे मीठे अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन के बराबर में बेल बटन है, उसे ज़रूर क्लिक करें, उससे आपको हमारी नेक्स्ट रेसिपी के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए थैंक यू।